तारीख 15 मई 2022, जगह कमला नगर भोपाल। रात करीब 9 बजे फोन की घंटी बजती है। भारती नाम की लड़की ने घबराते हुए फोन पर कहा, सुनो तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए फौरन मिलने आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, वो मेरे बॉयफ्रेंड सलमान ने मुझे। बस इसके बाद एक बेकसूर लड़का लड़की के बहकावे में आकर एक ऐसे जाल में फंसता है जहां उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है, इतना तक कि अपनी जेब में पड़ी नोटों की गड्डी तक भी। बस तन पर पड़े कपड़ों के साथ वो वापस लौटता है, लेकिन घर जाने के लिए नहीं, बल्कि वो निकला तो सीधे सुसाइड करने। ये तस्वीर देखिए और इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये कल को आपको भी शिकार बना सकती है। 22 साल का लड़का अपनी रोजी रोटी के लिए फुल टाइम से लेकर पार्ट टाइम जॉब करता था ताकि उसका और उसके परिवार का पेट पाल सके। बहुत ही सरल और सादगी भरा जीवन जीने वाला ये लड़का आखिर कब और कैसे जुर्म का शिकार हो गया, इसको भनक तक नहीं लगी। पैसे कमाने के लिए वो डेयरी में काम करता, इसके बाद तो रात में ठेकेदार के पास भी पार्ट टाइम जॉब किया करता। इसी दौरान लड़की की पहचान भारती से हुई। दरअसल भारती उसके घर के पास एक दोस्त से मिलने आया करती थी। इसी समय उसने दोस्त से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। फिर 15 दिनों से वो पीड़ित लड़के के फ्रेंडशिप के लिए पीछे पड़ी रही। लड़का उसके चंगुल में नहीं फंसता, लेकिन समय का मारा ये शख्स आखिर 15 मई के दिन मदद के बहाने उस लड़की के जाल में फंस ही गया। दरअसल वारदात की रात करीब 9:30 बजे भारती ने उसे फ़ोन किया और कहा कि उसका अपने बॉयफ्रेंड सलमान से झगड़ा हो गया, जिसके कारण वो बहुत ही डिस्टर्ब थी। फिर तो उसने 2 मिनट के लिए मिलने बुलाया और कहा कि कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। इसके बाद तो लड़का फौरन लड़की से मिलने नेहरू नगर मांडवा बस्ती के सामने पेट्रोल पंप के पास पहुंचा। कुछ ही देर बाद भारती भी वहां आई। जब दोनों मिले तो भारती ने उसे कहा कि वो उसे उसकी बहन के घर नया बसेरा छोड़ दे। इस पर लड़के ने उसे वहां छोड़ दिया। पहुंचने के बाद भारती ने लड़के को पीने के लिए पानी दिया। ये सब किसी प्लान के मुताबिक किया जा रहा था, जिसकी भनक लड़के को बिल्कुल नहीं थी। वहीं दूसरी ओर लड़की का बॉयफ्रेंड सलमान अपने एक साथी के साथ मौका वारदात पर पहुंच गया। वैसे तो सलमान और उसकी गर्लफ्रेंड ने उस लड़के को लूटने और ब्लैकमेलिंग करने का प्लान बनाया था, और प्लान के मुताबिक ही दोनों ने मिलकर पहले लड़के को ब्लैकमेल किया, फिर उस पर झूठा रेप का केस लगाने की धमकी भी दी और ये तक कह डाला कि वो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। लड़की के बॉयफ्रेंड सलमान ने लड़के को तलवार लेकर धमकाया कि तुम्हारा वीडियो बनाया गया है। उसने भारती का वो वीडियो भी दिखाया जिसमें वो कह रही थी कि उस लड़के ने उसके साथ गलत किया है। यहां तक कि सलमान ने उसकी गर्लफ्रेंड भारती के साथ गलत करने वाली बात जबरन विक्टिम से कहने को कही। इसके बाद तो ये दोनों उससे 50,000 रुपए मांगने लगे। लड़की की जेब से दोनों ने 15,000 रुपए छीन लिए, मोबाइल भी रख लिया। हद तो तब हो गई जब 20,000 रुपए की मांग करते हुए गाड़ी की चाबी भी छीन ली। और तो और पूरी रात उस लड़के को बंधक बनाकर रखा, सुबह होते ही पैसे लेने के लिए भेज दिया, साथ ही दोपहर 12 बजे तक बाकी पैसे देने का अल्टीमेटम दिया। अपने आप को बेसहारा और लुटा हुआ समझकर लड़का खुद को कोसने लगा। डरा सहमा सा ये शख्स अब खुद को बेबस और लाचार समझने लगा। यहाँ तक कि उसने सुसाइड करने का प्लान बना लिया। ये बात लड़के ने किसी को नहीं बताई और वो घर से सीधा रेलवे स्टेशन गया। इसके बाद सुसाइड के इरादे से वो रेलवे ट्रैक पर बैठ गया। इसी दौरान उसके दोस्त ने उसे देखा। लड़के ने अपने दोस्त से आपबीती बताई तो उसके दोस्त ने उसे घर छोड़ा। बाद में लड़का अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन गया और पूरा मामला पुलिस को बताया। हालांकि पुलिस ने लड़की और उसके बॉयफ्रेंड समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया है और इसी के साथ पुलिस ने बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लिया है, लेकिन ये शातिर लड़की अब भी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।